आज मेक इन ओडिशा रे आम सह अच्छा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर तुषारकांति बेहरा जने युव एवं डायनामिक मिनिस्टर सर वेलकम टू मेक इन ओडिशा। ये गोटे शो आम एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम एवं स्टार्टअप के ऊपर शो आम चले। फर्स्ट टाइम आपण निर्वाचन जीतिले गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाग पाइले ओडिशार प्रतिष्ठित इन्यूट आई आई टी खड़गपुर आपण तार आलमुने एजुकेशन सेक्टर में किसी दिन काम करते एबे आसी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी विभाग रही कौन रखी ऑब्जेक्टिव कौन विजन रखी शॉर्ट टर्म रे एवं कमिंग फाइव इयर्स रे। देखंतु मोर विजन आमर माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक विजन आईटी पॉलिसी जो आगामी दिन में करा जिवो 2020 मार्च पूर्व आम से रिवाइज करा जिवो आमर वर्तमान टार्गेट अछि ओडिशा को ईस्टर्न इंडिया रो गोटे आईटी हब भाव में प्रतिष्ठित करने पई। ओके ईस्टर्न इंडिया रे आपण आईटी हब करिवे ओडिशा को जहाँ करूछंती भुवनेश्वर फोकस रे रहिछि। जदि आमे देखिबा एबे आईटी इंडस्ट्री को आईटी इंडस्ट्री गोटे टर्बुलेंट टाइम भितर जाउछि एआई मशीन लर्निंग आसुछि प्रोडक्ट इनोवेशन जोटि बेसी दरकार क्लाउड टेक्नोलॉजी भी आसुछि ए दिगरे नुवा टेक्नोलॉजी उपरे आपण कोन करिया पय चाहुछंती। देखंतु एमर्जिंग टेक्नोलॉजी उपरे वर्तमान काम चालीछि आमर आईटी डिपार्टमेंट रे मध्य ओकाक्टर जो प्रोफेशनल्स मैंने अच्छा से कम करु जो भाई भाव में आपंकर पुणे हो हैदराबाद हो बेंगलोर जो भाई भाव कम चली स्तर काम करने आम पाखे नुआ टैलेंट दरकार जो मैंने यंगस्टर्स बाहर आईटी इंजीनियर्स जो बाहर आईटी प्रोफेशनल्स मैंने बाहर से ओडिशा रे रिटेन करने से टेक्नोलोजी से व्यवस्था ना तथापि आम मैंने जो एमर्जिंग टेक्नोलोजी जो पे कम करें किपर ये रिटेन करा जहाँफल ओडिशा रो आईटी इंडस्ट्री आग दिन में किपर उन्नत हे और समृद्ध हे से विषय में चेष्टा करुच्छू। रिटेन करने कथा कह आम स्टूडेंट कथा कहशार जो स्किल सेट रही जो कथा कहुच्छे जे 10% स्टूडेंट दे आर एबल टू हैंडल बिजनेस प्रोसेस एंड 26% स्टूडेंट हेले जो मैंने कि एम्प्लॉयबल स्किल सेट आउ इंडस्ट्री मैथ्सटा आपड़ केमी करेंगे। देखो से जो गैपटा अच्छी पूरण करने केवल आईटी डिपार्टमेंट नुहे से जो टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स अच्छी ता सहित कोलाबोरेसन करा दरकार आम मैंने आई आई टी भुवनेश्वर प्रोफेसर मान सहित कथबार्ता औपचारिक स्तर में आगामी दिन में आम पुणी कथबार्ता करूँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड करने आम मैंने चेष्टा करूँ सो दैट जो स्किल गैपटा अच्छी से स्किल गैपटा फुलफिल हो पार और ओडिशा रे जो एक्सपर्ट्स मैंने बाहर बीटेक एमटेक पर डायरेक्ट केमी एम्प्लॉय हो पारे कंपनीज रे से गैपटा फुलफिल करने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माध्यम तो पूरण कर चेस्टा कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कथा कहले जदि आम आईटी इंडस्ट्री कथा देखा आज कंट्री परस्पेक्टिव देखा 181 बिलियन डॉलर आईटी एक्सपोर्ट है इंडिया रो आदि आम ओडिशा शेयर देखा इट इज अराउंड 4000 करोर सो गोटे बड़ मिसमैच रोचे ये जो एक्सपोर्टा आईटी बढ़ावापी आपण कौन इनिशिएटिव ने। देखो एबे ओडिशा रे जो कंपनीज अच्छा इन्फोसिस हो टेक महिंद्रा हो माइंडट्री हो से कंपनी मानक आईटी एनेबल सर्विसेस बेसी हो सर्विसेस सेक्टर रे प्रोडक्ट्स कंपनी एपर्यंत ओडिशा रे एस्टाब्लीश हो पारिना तेणु आम मैंने चेस्टा करूँ से रेवेन्यू को बढ़ावापी एमती किसी कंपनी को टार्गेट करूँ जो वर्कफोर्स 200-500 भितर थी एवं से भाया कंपनी आम बेसी एस्टाब्लीश करने चेस्ट करूँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ता सहित जेहेतु आईटी डिपार्टमेंट कोलाबोरेसन अच्छी आम चेष्टा करूँ ये सेगमेंटा को बेसी आम स्ट्रेस देवु और आगामी दिन में वर्कफोर्स नंबर ऑफ वर्कफोर्स किपर ओडिशा रे अधिका बढ़े से ट्राए कर स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी अच्छी ओडिशा रे स्टार्टअप पॉलिसी अच्छी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव आसी तेणु स्टार्टअप मानक आईटी क्षेत्र में आने पर बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड आपड़ कौन करेंगे। देखो आपको एवं जमी कहली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ओडिशा रे नाही तेणु आईटी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स आईटी प्रोडक्ट्स ओडिशा को आने आमको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे आमर कोलाबोरेसन दरकार जो गुड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अच्छी आईटी भुवनेश्वर हो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर हो आम तक सहित बर्तमान एस्टाब्लीश करा चाहूँ रिलेशन सो दैट आगामी दिन में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जो प्रोडक्ट्स बाहर से एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे एवं जोटा कहली प्रोडक्ट तो वन डे हेनी से बहुत रिसर्च दरकार से रिसर्च ओरिएंटेड
कार्यक्रम किपरि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आम बेसि ध्यान रखे बिग फाइव कंपनीज आर हियर माने जब देखा विप्रो हौ टेक् महिंद्रा हौ इन्फोसिस ये सब कंपनी गुड़ा अच्छा से ग्रोथ दिगरे आपड़ कौन चेस्टा करें जो क्वालिटी जब ये होनी आई टी प्रोफेसनाल मैंने कहती से गोटे बड़ स्कोप देखते ना ओडिशा पे टैलेंट रिटेन करवा ये कष्ट से क्षेत्र में आप कौन करेंगे जहाद्वारा कि ये क्वालिटी काम हम आई टी इंडस्ट्रीज्रे देखो इन्फोसिस हो टेक् महिंद्रा हो काम जो आसूँ डिफरेंट सेक्टर आसूँ यूटिलिटी रही बैंक फिनटेक्रे भी रही तेणु ये जो सर्विसेस जी प्रोजेक्ट्स अच्छे से प्रोजेक्ट्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़िले ये वर्कफोर्स बढ़े यहाँ मुझे विश्वास करे वर्तमान इन्फोसिस कि टीसीएस जो कैपेसिटी अच्छी वर्कफोर्स फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करूना तेणु आगामी दिन आम चेष्टा करूँ किपर अधिक प्रोजेक्ट आसव प्रोजेक्ट आने कंपानी दायित्व किंतु तापर वर्कफोर्स को रिटर्न करवा कंपानी मानक गोटे से सिस्टमेटिक रहा दरकार आम चेषा करूँ किपर से फुल वर्कफोर्स ये ऑपरेट करूँ सो दैट आम ओडिशार एक्सपोर्टा भी अधिक रहा डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव अच्छे क्या कमिंग फाइव इयर्स वन ट्रिलियन डॉलर गोटे इकोनोमी तैयारी हे ओडिशा तार गोटे बेटर स्लाइस पाइबापी कौन करवा आवश्यक आप कौन रखिंट रोडमैप देखो से जोटा आप कहली केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नुहे आम आई टी इकोसिस्टम जहाँ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आम बर्तमान दुई दिन तेज गोटे व्हाट्सअप थी IPv4 रु IPv6 को आम स्विच करुचु तापर जहाँ भी सब एमर्जिंग टेक्नोलॉजी बर्तमान सब अच्छी रिलेटेड टॉपिक्स ताकू कवर कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माध्यम आम एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश करने चेस्टा कर सब बड़ कथा है आगामी दिन में ओडिशार जितकी रहा GDP IT रिलेटेड तार 5% आम आक्वायर करने प्रथम प्रायोरीटी अच्छे 5% GDP आक्वायर करने गोटे जब देखा प्रत्येक डिपार्टमेंट रही बजेट आलोकेशन 2% दे विल स्पेंड ऑन IT ए बजेट एवं केते अच्छी ओडिशार कंपनी मैंने केयर ओडिशार जो कंपनीज ताकूत कम दि जाए ना जेहेतु से कंपनीज वर्कफोर्स बहुत बेसी नहांती आम एवं जो कम सब आउटसोर्स कर मुख्यतः आम देखो ओसवास जो चलती सेक्रेटेट से TCS को आउटसोर्स करमती कमर क्वालिटी हिसाब से आम कंपनी देखिए देचु आगामी दिन आम चेष्टा करूँ जो ओडिशा कंपनीज मैंने क्वालिटेटिव आमको देवे क्वालिटेटिव कम आमको तार आउटपुट देवे आम से कंपनी को आगामी दिन कम देखने चेस्टा कर होमग्रोन कंपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप केमी हम तार कौन रही रोड मैप आप कौन चिंता कर क्वालिटी वर्कफोर्स आज बढ़िया दरकार क्वालिटी वर्कफोर्स जो पूरा इकोसिस्टम रेडी होगा दरकार एजुकेशन सिस्टम जो रही पिला इंटेक रही से सब जिन बढ़िया दरकार इंजीनियरिंग कॉलेज IT रिलेटेड जो स्टूडेंट्स बाहर BTech इन कंप्यूटर साइंस हूँ MCA हूँ BCA हूँ BTech इन IT हूँ जो स्किल सेटा को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड करने जो ट्रेनिंग कॉलेज मानक से ट्रेनिंग सब प्रोवाइड कर तेणु आम आगामी चेष्टा करोकाक मध्यम से स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दबू एवं बाहर एक्सपर्ट्स आनी आम से ट्रेनिंग देवाई व्यवस्था कर इन्फो वैली 2 गोटे आम गोटे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनला गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो किंतु सेठी देखिले आम गोटे इन्फोसिस को छाड़ देले आउ के कंपनी ना नहीं एबे कथबार्ता चली चाहिए किसी कंपनी को आनेपाई मुझे जमीक आप कहली आगामी दिन आम चेष्टा कर 100-200 वर्कफोर्स कंपनी पर आम बे बर्तमान प्राधान्य देचु आ सब बड़ कथा है इन्फो वैली रे आम इन्फोसिस छाड़ी फैब लैब मध्य बिल्ड करने आम प्लानिंग अच्छी तार काम स्टार्ट फैब्रिकेशन यूनिट करने जो फैब लैब क्या कहले जो इलेक्ट्रोनिक क्लस्टर क्या आप कहले वाई वी आर नॉट एबल टू ब्रिंग बिग टिकेट इंडस्ट्री टू द इलेक्ट्रोनिक क्लस्टर सो फार ये किसी टेकअप हो पारे तार प्रोग्रेस कौन हो तार कारण है आमर एक्जिस्टिंग सेटअप जो आप इन्फोसिटी सेठी एबे जगार असुविधा अच्छे जगह आम बहुत लेट रे आक्वायर कलु जो इन्फो वैली बर्तन एवं आगामी दिन में जो हम फैब लैब जो हम से विभिन्न कंपनी सहित आम कथबार्ता करूँ आगामी दिन में सक्सेस हो किसी कंपनी आसनी नलेज अच्छे आपंकर एबे कौन कंपनी आमको प्रतिश्रुति देना कि टेलीकॉम कंपनी सहित आम कथबार्ता हो मोबाइल रिलेटेड चिप से फैसिलिटेट करने को इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री गोटे भारी कॉस्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री एठी इलेक्ट्रोनिक इंडस्ट्री आने पर आप कौला इकोसिस्टम तैयारी जमीक एठिकार कंपनी आम होमग्रोन कंपनी आसपारे स्टार्टअप आसपर सब बड़ कथा कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री
प्रोफेसनाल्स मैंने आसवाक चाहते से मैंने भुवनेश्वर किपर अन्य सिटी सहित वेल कनेक्टेड हो से प्रथम डिमांड रोचे एवं तापर से देखते हैं क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स जैसे अवेलेबिलिटी अच्छी ये ओडिशारे तापर से देखुं गवर्नमेंट कौन इनसेंटिव दौर से सब मिसिक इनफ्रास्ट्रक्चर आरंभ कर कहीं कौन भावुँचा आम मानव मुख्यमंत्री बहुत प्राधान्य देखते एवं भी दौरान आगामी दिन में आम आई टी हब करने चेस्टा कर इलेक्ट्रोनिक बेस्ड कंपनी आने चेस्ट कर जदि आम देखा प्राइसींग देखा से लैंड रही इन्फो वैली रहा टू सेपटे इलेक्ट्रोनिक क्लस्टर इन्फोसिस दब 50 lakhs पर एकर कि 60 lakhs एकर पर चलुच्छे जो रेट चलुच्छे भावुं कि ओडिशार आई टी स्टार्टअप किंवा इलेक्ट्रोनिक क्लस्टर में जो मैंने करवाई चाहूँ से मैंने कस्ट बियर करेंगे कि स्टार्टअप मैं भावुना कि सब्सीडी दरकार कम रेट जगह देवा दरकार देखो निश्चय स्टार्टअप कंपनी को आम इनक्यूबेट करने प्लानिंग अच्छी ओकाक टावर में आम इनक्यूबेटर्स मान को दौचु आटा भी से प्राइसटा बहुत लो अच्छे किंतु बिग कंपनीज को आने पर जो अच्छी तार म्यूचुअल एग्रीमेंट जो हो लैंड एग्रीमेंट हो विषय मोर एत धारणा ना कौ प्राइसिंग बर्तन चली विषय में मुझे अवगत निश्चय जन ओकाक टावर कथा जो कहले जो जो स्टार्टअप मानक इनक्यूबेट करने सेठी गोटे रोचे 60 टाँ 70 टाँ पाखापाखि जो रोचे स्क्वायर फुट रेट सब्सिडी रोचे कि प्रथम से माने सब्सिडी काटिक नौना प्रथम तुम पैसा डिपोजिट करने को पड़ो आप भावना जो स्टार्टअप जो मैंने स्ट्रगल करते बिजनेस पाखे एत क्या आसमान देपर गवर्नमेंट गोटे गेजेट नोटिफिकेशन बाहर कला 20 rupees स्क्वायर फुट्रे गोटे जगह स्पेस दिज्व ओपन स्पेस बनवाई से जिन एपर्त भी कार्यकारी है ना इवन सब्सिडी भी पिला मिली नहीं जो मैंने स्टार्टअप मैंने इनक्यूबेट हो बाहर ले वर्ष पर से सब इश्यू के आप एड्रेस करेंगे देखो से जो आप जो कह जो प्राइसींगटा रखाई से ओनली सीरीयस आस्पिरेंट को अटैक्ट करने रखाई जब सेटार कि बारियर रही समस्ते आग्रह प्रकाश करेंगे समस्त आग्रह प्रकाश करेंगे आप भावना भुवनेश्वर भाई सिटी में जो प्रकार प्राइसिंग रोचे से बहुत बेसी गोटे स्टार्टअप कंपनी कहीं गोटे प्राइम फोकस 70-80 टाँ कम रेट में स्क्वायर फुट पाई जोड़ा थिला एवं तार सब्सिडी थिला बट से सब्सिडीटा आसी पारे कहीं लेट कहीं होगा अकाउंट को जदि जदि तुम्हें दवापी चाहते आप काटिकी कहीं सब्सिडी नौना पैसा ठीक अच्छे से प्रोब्लमटा मुझे आगामी दिन में सर्ट आउट हम चेस्टा कर ग्लोबल स्टार्टअप को ओडिशा को अट्राक्ट करने कि कंपनीज को अट्राक्ट करने आई टी हो कि इलेक्ट्रोनिक कंपनी आपड़ कौन रखिंट आपजा देखो ग्लोबल स्टार्टअप कंपनीज ओडिशा को सेत आसवे जिते बड़े आई टी इनफ्रास्ट्रक्चर जोटा कहली आप कनेक्टिविटी इनफ्रास्ट्रक्चर देन इकोसिस्टम ए तीन टा जाक गोटे सिनर्जेटिक लेवल हेल्प कै तीनटा जो ओडिशा बुम कर ग्लोबल को ग्लोबल आई टी कंपनीज को आम अट्राक्ट करने चेस्टा 5 वर्ष पर आपड़ ओडिशार इलेक्ट्रोनिक और आई टी इंडस्ट्री को कौ स्तर देखा चाहते देखो ये मुझे कहली आमर लीडिंग स्टेट्स कर्णाटक एवं तेलंगाना तार आई टी पॉलिसी और नेशनल आई टी पॉलिसी इनको आम स्टडी करुचु एवं तापर आम बर्तमान चेष्टा करूँ एटलिस्ट बेंगलोर कि तेलंगाना जो स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड को मेंटेन करने साइबर सिटी हैदराबाद से स्टैंडर्ड मेंटेन करने बर्तमान टारगेट रोचे 5 वर्ष भर ओडिशार टॉप सिटी रे जमी भुवनेश्वर स्थानित हो पार एवं ये भल टैलेंट पुल बाहर और बड़ बड़ कंपनी ओडिशा को आसवे से नहीं लक्ष्य रखिंट नुआ जुव आई टी इलेक्ट्रोनिक मंत्री तुषारकांत बेहरा धन्यवाद सर आम के समय देखा।